दीवाना मेरा, जाने क्यों ना माने अभी दिल दीवाना मेरा, जाने क्यों ना माने अभी तुमसे कहते हैं सनम, दिल के अरमान सभी दिल दीवाना मेरा। Ladies and gentlemen, please welcome the man himself, Jatin Pandit हमारे साथ में है। Musical परिवार में जन्म हुआ, वो परिवार का माहौल उन गलियारों में ले चलिया हमें। कि मैं बचपन में गाने बना के उनको फर्जी बोलों में लिख के घर पे रिकॉर्ड करता था। क्या बात कर रहे हैं? ऐसे एक टू ट्रैक का हमारा अकाई का टेप रिकॉर्डर था। अच्छा। जब ये काम शुरू हुआ इसी दौरान हम लोग आरडी बर्मन के यहाँ बच्चों के गाने गाने लगे, लेकिन म्यूजिक डायरेक्शन का पैशन था मेरे अंदर। तो करते 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 आप ये समझ लीजिए कि 10 साल। हाँ, ये मतलब अभी ऐसा है कि मेरी माँ कभी कभी बोलती थी, बेटा तुम मुझसे कब तक पैसे मांगे। लोग ऐसा बोलते थे कि तुम्हारी तो बहन कमाती है, तुमको जरूरत क्या काम, ये क्या जरूरत है तुम्हारी, तो सिस्टर हीरोइन है यार, तुमको क्या काम करना। बड़ा हट होता था। कॉमन फ्रेंड थी मेरी और मंसूर खान साहब, तो मैंने उस लड़की को बोला, मंसूर खान साहब को बोल के, एक बार हमसे हमारे सिटिंग कर ली। तो बोला बट आई वोंट कम फॉर मोर देन हाफ एन आवर। सिटिंग शुरू की तो आप समझ लीजिए वो आधे घंटे के लिए आया था, 4 घंटे हिला नहीं। उसमें 2-3 गाने तो उन्होंने उसी सिटिंग में ही ओके कर लिए थे। ये तो आप बिलीव करिए कि मैं कभी कभी ये सोचता हूँ कितना बड़ा डिसीजन था उनका। हम लोग की लाइन से हिट आ रही थी, फिर उसके बाद हमारी राजू बन गया जेंटलमैन आई, उसका सुपर डुपर हिट म्यूजिक हुआ, फिर उसी दौरान वो आई कभी हाँ कभी ना। तो क्या हुआ कि पंचमदा की तबीयत खराब हुई और पता चला कि उनका देहांत हो गया। हम लोग जब उनके कमरे में गए हॉल में, आशा जी बैठी थी, तो आशा जी बोली कि तुम लोग इतना अच्छा म्यूजिक देते, तुम्हारा इतना क्यों नहीं काम, बहुत लोग जैसे पंचम के पीछे लगे थे, तुम्हारे पीछे क्यों नहीं लग रहे। तो बोला दीदी हम तो म्यूजिक ही अच्छा दे सकते हैं और तो हम कर नहीं सकते कुछ। तो बोले ठहरो मैं अभी बात करती हूँ। उन्होंने फोन लगाया वहां से यश जी के घर पे, प्रेम चोपड़ा जी से बात की, बोले कि देखो ये 2 लड़के हैं जतिन ललित, बहुत अच्छा म्यूजिक देते हैं, आप लोग इनका सुनिए तो सही। तो प्रेम जी ने बोला कि ठीक है, उनको बोलो हमको कॉन्टेक्ट करे, लोग सिटिंग रख लेते। हमने टाइम वाइम लेके हमने यश जी के यहाँ सिटिंग की। सिटिंग बहुत लंबी चली, आदित्य चोपड़ा साहब एकदम यंग, सिटिंग वीटिंग करके अपना काम, फिर हम भी भूल गए, उन्होंने कोई रिवर्ट बैक किया नहीं। फिर अचानक एक दिन फोन आया, उन्होंने बोला कि ऐसा है कि हम एक पिक्चर बना रहे हैं, आदित्य चोपड़ा साहब डायरेक्टर कर रहे हैं और इसमें आपको म्यूजिक लेना चाहते हैं। Now of course we all know which film we are talking about. Yes. Talking about DDLJ, दिलवाले दुल्हनिया ले जाएंगे। क्या बात। जब वो पिक्चर रिलीज हो गई ना, उसके बाद फिर हम लोग नंबर 1 पे। हाय क्या बात, हाथ मिला लीजिए, क्या बात है। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, डोली सजा के रखना, लेने तुझे ओ गोरी आएंगे तेरे सजना। मेहंदी लगा के रखना, सलमान खान शर्टलेस, हाथों में गिटार, टिंग टनंग टंग टनंग। दिस इज़ आल्सो यू। सलमान साहब को उसका जो वो था ना, ऐसा जो टोन था ना, बहुत पसंद। जाने जाना वैसा आप मेरे से भी नहीं निकल रहा थी। इसमें एक अटैक आता है उसकी आवाज, वो उनको पसंद आया था, तो हमको भी उस बात में दम लगा था। उन्होंने बोला था कि ये करो, ये का जो झटका आ रहा है ना नॉर्मल नहीं है। अब भी थोड़ा कमाल खान सलमान साहब का सजेशन था वो। ओके, फिर वर्क किया काफी मेहनत करके, क्योंकि उस टाइम इतना ऑटो ट्यून वगैरह नहीं था ना। क्या होता है कि हर चीज की एक एक्सपायरी डेट होती है। हाँ जी।
कोई चीज जब वो काम करनी बंद कर दे उसके बाद उसकी एक्सपायरी हो जाए तो दुनिया जहाँ इतना पूछती नहीं है, मतलब प्रीटी चिल्ड आउट अबाउट। पना के बाद जो हुआ उसका रोना आज तक हम गाते हैं कि सुपर डुपर हिट फिल्म देते जतिन ललित, देन अनाउंसमेंट आती है कि जतिन ललित अब साथ में काम। देखिए ये बात का मैं जब भी जिक्र करता हूँ ना, जब भी मेरी बात होती है तो मुझे इसका घंटों नेगेटिव असर रहता है। ऑल आई कैन से इज दिस वाज नॉट माय कॉल, मैं बिल्कुल नहीं चाहता था और ये बात का मुझे बहुत गहरा दुख। हम लोग कितना काम कर चुके होते अभी तक और इतना अच्छा म्यूजिक हो रहा था, लेकिन ऐसा है कि मैंने बहुत कोशिश की ललित से तालमेल बन जाए, लेकिन मैं यार ये बात करना नहीं चाहता, मुझे टेंशन मेरे को खराब लगता है। अभी मैं खाली इतना बोल सकता हूँ कि वहां जहां भी है ललित जो भी है खुश रखे, भगवान उसको खुश रखे।